और आज का प्रोडक्ट है हमारा ये एक फ्लैट मॉप जो आजकल काफी ज्यादा ट्रेंड में है। स्पिन मॉप के बाद यदि किसी को बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा है तो वो ये फ्लैट मॉप है। बात करेंगे इसकी, इसमें हमें क्या क्या मिल जाता है, किस तरीके से डिलीवर होता है। तो ये मुझे कुछ इस तरीके कार्डबोर्ड बॉक्स में रिसीव हुआ है, सिंपल सा बॉक्स है, बस उसी में ये डला हुआ था इस तरीके से। तो बात करेंगे इसकी, इसमें क्या क्या मिल जाता है, क्या क्या चीजें हैं, क्या फीचर है, क्या खासियत है, मेन चीज बात करूंगी सबसे पहले इस ब्रांड की। तो गाइस ये यूपीसी ब्रांड के नाम से ये आता है, बहुत सारे ब्रांड्स इसको बना रहे हैं। इसको मैंने अमेजोन से बाय किया हुआ है और काफी ज्यादा ट्रेंड में है। तो चलिए देख लेते इसमें हमें क्या क्या मिल जाता है। सबसे पहले हमें यहाँ पे दो इस तरीके के लॉक मिल जाते हैं जिससे कि ये ओपन होता है लाइक दिस, और जो भी इसमें हमें मॉप के जितने भी मटेरियल है ना वो सारी चीज़ें इसके अंदर रख के आई हैं। मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके का है। तो कुछ इस तरीके का ये मॉप है, इसमें ये हैंडल लगा हुआ है। चलिए इसका हैंडल अरेंज करके देखते हैं। हमें मिल जाता है, काफी अच्छी लेंथ है इसकी, अप्रोक्सीमेटली 5 फुट के आसपास की इसकी लेंथ है। तो चलिए इसे अभी साइड में रख देते हैं और देखते हैं इसमें और भी क्या हमें मिल जाता है। तो गाइस हमें मिल जाता है इसमें एक और ये माइक्रोफाइबर शीट जिससे कि हम मॉप करते हैं अपने फ्लोर को, और ये शीट इसमें हमें एक रिफिल शीट मिली हुई है। देन आफ्टर बात कर ली जाए इसकी, तो इसमें हमें मिल जाता है कुछ इस टाइप का लुक आप देख सकते हो। और दोनों साइड इसमें दो पार्ट दिए हुए हैं, एक दोनों पार्टीशन है जिसमें सेपरेट सेपरेट पानी रहने वाला है आपका, और दोनों साइड आपको इस तरीके का एक ड्रेनेज होल मिल जाता है जिससे कि दोनों साइड के पानी निकल जाता है। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी मुझे, अभी तक के मॉप में मुझे इस तरीके का कोई फीचर नहीं मिला। सिंगल यदि आपको सिंगल टब वाला मिलता है तो उसमें सिंगल ही ड्रेनेज होल होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, एक ही बार में सारा पानी निकल जाता है। बट इसमें दोनों साइड ही ड्रेनेज होल दिए हुए हैं तो ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये फीचर इसका। देन आफ्टर इसको कैसे यूज़ करना है, ये कुछ इस तरीके से हमें इसे बंद कर देना है, इसके बाद अब हमें यूज़ करना है। चलिए मैं आपको इसको नज़दीक से दिखाती हूँ किस तरीके का इसका लुक एंड फील है। तो गाइस ये कुछ इस तरीके से होता है, ऊपर से आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का। हमें यहाँ पे ड्राई का ऑप्शन मिला हुआ है, यहाँ पे वॉश का ऑप्शन है। तो यहाँ पे हमें अपने मॉप को इंसर्ट करके वॉश करना है और यहाँ पे वो ड्राई होगा। मैं आपको अभी दिखाऊंगी किस तरीके से आपको इसे यूज करना है। लुक एंड फील मिल जाता है हमें यहाँ पे, मैंने ऑलरेडी आपको दिखा दिया। लॉकिंग सिस्टम हमें मिल जाता है, ये हमें हैंडल मिल जाता है इस साइड हमें कहीं भी ले जाने के लिए। वैसे मोस्ट ऑफ दी जो हमारा पानी होता है ज्यादा वो इसी साइड इसी कंटेनर में होता है, ये दो पार्ट में है अंदर से, मैंने आपको दिखा चुका है। और हमें ये दोनों ही साइड ड्रेनेज होल मिल जाते हैं जैसा कि मैंने आपको पहले भी दिखा दिया, और इस साइड भी ड्रेनेज होल हमें मिल जाता है। बात करें इसकी प्लास्टिक क्वालिटी की तो प्लास्टिक क्वालिटी काफ़ी अच्छी है इसकी, और दोनों मतलब नीचे का जो कंटेनर है इसका इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है प्लास्टिक की, और जो अपर बॉडी की है इसकी भी प्लास्टिक की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। बात करें इसके ये माइक्रोफाइबर पैड की तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और इसकी वाटर लोडिंग कैपेसिटी बहुत कम होती है और ये मॉपिंग के लिए काफ़ी अच्छे तरीके से यूज़ हो जाता है जैसा कि मैंने देखा है। इसको मोस्टली इंडस्ट्रियल यूज़ में भी इसको यूज़ किया जाता है। देन देख लेते हैं मॉप हमें किस तरीके का मिलता है। तो कुछ इस तरीके का मॉप हमें मिल जाता है लाइक दिस, और ये जो पूरा हमारा बना हुआ है स्टेनलेस स्टील के रॉड्स लगे हुए हैं इसमें, और ये हमारा थोड़ा सा स्पंज टाइप का यहाँ पे लगा हुआ है ताकि आपको पकड़ने में कोई भी दिक्कत ना हो, इजीली आप इसे पकड़ सको। अब गाइस देख लेते हैं इसमें हमें 360 डिग्री का मोमेंट मिलता है कि नहीं जैसा कि ये क्लेम करता है। तो आप देख रहे हो ये कुछ इस तरीके से पूरा तिरछा हो जा रहा है और इस साइड भी पूरा तिरछा हो जा रहा है। आप बात कर रहे हैं इस साइड की तो इस साइड भी ये पूरा ही तिरछा हो जा रहा है इस तरीके से, आप देख सकते हो पूरा फ्लैट हो जा रहा है। अब बात करते हैं इसके माइक्रोफाइबर शीट की, तो ये कैसे हमें यूज़ करनी है। तो कुछ इस तरीके की क्लिप दी हुई है, ये देखा आपने इस तरीके से मैंने पुश किया और ये क्लिप निकल गई। इसी तरीके से आपको इसे निकाल देना है और आप इसको क्लिप को निकाल के इस तरीके से इसको निकाल के और इजीली अपने वॉशिंग मशीन में भी धुल सकते हो, जैसे भी चाहो आप ऐसे इसे यूज़ करके धुल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है।
इसमें आप देख सकते हो इस साइड एक वैक्रो, इस तरीके से वैक्रो लगा हुआ है जो कि इसको अटैच कर लेता है और बिल्कुल भी इसे हिलने डुलने नहीं देता है, और इसकी क्लिप्स इसमें अरेंज हो जाती हैं अच्छे तरीके से। और आप देख सकते हो इस तरीके का इसमें ये पार्टीशन, ये पॉकेट टाइप का बना हुआ है जो कि इसमें फंस जाता है हमारे मॉप में और इसको अच्छे से टाइट कर देता है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से इसे लगाना है। तो ये जो इसमें पॉकेट बने हुए हैं इसको हमें इस साइड से ऐसे फंसाना है इसमें, लाइक दिस सिंपली हमें इसे फंसाना है, और इस साइड भी हम इसी तरीके से इसे फंसाएंगे सिंपल। हमें पहला मैं अपनी ये जो क्लिप है इसको थोड़ा सा पुश करना है और पुश करके इसे इसमें फंसा देना है। हमें ये मेक श्योर कर लेना चाहिए कि इसमें अच्छे से ये फंस जाए, लाइक दिस आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से इसे मैंने फंसा दिया है। अब हमें सिर्फ इसे इस क्लिप को वापस ऊपर करके हमें इसे बंद कर देना है, लाइक दिस एंड लाइक दिस। तो आप इस तरीके से आप देख सकते हो ये कम्प्लीटली बंद हो गई है और इसी तरीके से ये पूरा मतलब अच्छे से लग गया है। और इससे हम जैसा कि स्पिन मॉप के साथ मैं प्रॉब्लम फेस कर रही थी, सोफे के नीचे हमारा ये नहीं जाता है, तो सोफे के नीचे अब ये इजीली जा सकता है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पतला हेड है इसका। सोफे के नीचे आराम से चला जाता है, हमारे कॉर्नर्स पर चला जाता है, हमारी जो भी टाइल्स वाली वॉल होती है और वॉल में नीचे जो पट्टी होती है इसको भी ये इजी तरीके से क्लीन कर देता है। तो आप भी मेरी तरह यदि प्रॉब्लम फेस कर रहे थे स्पिन मॉप के साथ तो आप भी इस चीज़ को बाय कर सकते हो, ये काफ़ी ज़्यादा वर्थ बाइंग लगा मुझे। तो गाइस ये देखा आपने इस प्रोडक्ट का रिव्यू, अब बात कर लेते हैं गाइस इसके वारंटी गारंटी और इसके यूजर रेटिंग की। बात करते हैं सबसे पहले वारंटी की। तो गाइस इसके इस प्रोडक्ट के साथ हमें कोई वारंटी या गारंटी नहीं मिलती है, बस पर इसमें 10 डेज का रिटर्नेबल ऑप्शन है। यदि आपको कोई प्रॉब्लम होती है इसे यूज करने में या फिर कोई आपको डिफेक्टेड प्रोडक्ट मिलता है तो 10 डेज का आपके पास टाइम होता है। आप 10 डेज के अंदर यदि इसमें कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप इसे रिटर्न कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं गाइस इसके यूजर रेटिंग की। तो इसको 4000 लोगों ने रेट किया हुआ है अमेजोन पे 4 स्टार, और यदि बात करूं मैं अपनी पर्सनल रेटिंग की तो मैं भी इसे 4 स्टार दूंगी आउट ऑफ 5, क्योंकि काफी ज्यादा अच्छा है ये यूज करने में। जो प्रॉब्लम हमें स्पिन मॉप के साथ आती थी वो सारी प्रॉब्लम इसके साथ रिजॉल्व हो चुकी है हमारी, तो इस हिसाब से ये मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। अब बात कर लेते हैं इसके प्राइस की। तो गाइस ये मुझे मिला है 1400 रुपए का, और 1400 रुपए के हिसाब से मुझे ये वर्थ बाइंग लगा क्योंकि स्पिन मॉप के साथ जो जो प्रॉब्लम मुझे फेस करने मिली थी वो सारी प्रॉब्लम इसके साथ रिजॉल्व हो चुकी है। यदि आपको ये मॉप पसंद आता है तो गाइस आप डेफिनेटली इसे बाय कर सकते हो, लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से जाके आप इसे बाय कर सकते हो। और मेरी अदर जो भी रिकमेंडेशंस होती हैं फ्लोर मॉप को लेके वो सारी रिकमेंडेशंस मैं आपको लिस्ट कर दूंगी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाके आप उन्हें भी एक बार चेकआउट जरूर कर सकते हो जिससे आपको आपका पसंदीदा मॉप मिल जाएगा। तो गाइस ये रहा मेरा रिव्यू इस प्रोडक्ट को लेके। आई होप गाइस आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। यदि कोई भी डाउट रह गया हो या मैं कुछ बताना भूल गई हूँ इसके बारे में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, अदरवाइज आप मुझे डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, वहां पे भी आपके सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। तो वीडियो पसंद आया तो गाइस प्लीज वीडियो को कर देना लाइक, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर, और गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल के आइकन को प्रेस करना भी मत भूलना ताकि आपको मेरी सारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। तो गाइस लेते हैं विदा और मिलते हैं किसी अनदर वीडियो में, तब तक के लिए बाय।